अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और रमज़ान आपके कैसे जा रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे तो रोज़े अच्छे जा रहे हैं और इस दफ़ा रमज़ान जो है वो इतने गर्मी के नहीं हैं, मतलब नॉर्मल मौसम है हैदराबाद में और अच्छा मौसम हो रहा है और रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी, अच्छी लग रही होंगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। और अलीज़ा तो सोई हुई है। अलीज़ा सो रही है और उसके बाबा गए हुए हैं, नाइट ड्यूटी है और बस हम अकेले हैं। हम अकेले हैं और आज मैंने अपने बालों पे हेयर मास्क लगाया था। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ हेयर मास्क की वीडियो शेयर करूँगी। मतलब मैंने हेयर मास्क बनाया था मायो क्रीम से और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है उसका। बाल मेरे इतने सीधे नहीं हैं लेकिन इससे बहुत फ़र्क पड़ा है। मैंने कोई स्ट्रेटनर नहीं किया, कुछ भी नहीं किया और बाल बहुत अच्छे हुए हैं। असल में जब जिस दिन शैम्पू करो तो उस दिन बाल ज़्यादा रफ़ हो जाते हैं। ये करने के बाद यानी ये मास्क लगाने के बाद आपको कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप कंडीशनर भी यूज़ करें तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप नहीं यूज़ करते और ये मास्क अप्लाई करेंगे हफ्ते में 2 बार तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स। आप चलें चलते हैं कि मैंने मास्क किस तरह बनाया और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले। यहाँ पर मैंने 1 कप लिया है तकरीबन। अब इसमें मैं मायो डालूँगी 6 टेबलस्पून के करीब। अगर आपके बाल बड़े हैं तो आप डबल कर लें इसकी तादाद। मैंने चमचे में इसलिए नहीं निकाली तो आधे से ज़्यादा चमचे में लग जाती है। मायो आपने 6 टेबलस्पून अच्छे से डालनी है। अगर आपके बाल बड़े हैं तो आप डबल कर लें इसकी तादाद, यानी आप 12 डालेंगी। इसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर 2 टेबलस्पून हेयर ऑयल। ये तेल जो है ये मैंने बनाया था, किस तरह बनाया था ये मैं आपको रेसिपी शेयर करूँगी। नताशा वकास ने जो बनाया था ये वही प्याज और ऑनियन वाला है हेयर ऑयल जो मैंने इसमें यूज़ किया है। बहुत अच्छा ऑयल है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। इसके बाद मैंने इसमें डाली है 3 टेबलस्पून मलाई। इसके बाद हम अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्सचर को बहुत अच्छे से, कि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। बहुत अच्छे से मिक्स करना है हमें। ये हमारा मिक्सचर मिक्स हो गया है अच्छे से। ये मास्क बहुत अच्छा है बालों के लिए, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। यह देखें मैंने कंघा भी नहीं किया हुआ और मेरे बाल कितने रफ़ हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं मेरे बाल। सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने वीडियो बनाई है कि इससे कितना फ़र्क पड़ेगा। जो मास्क मैंने अप्लाई किया है करूँगी उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। ये देखें बाल कैसे हो रहे हैं, मैंने कंघा भी नहीं किया था। तकरीबन 1 घंटा ये मास्क आप लगा रहने दें, उसके बाद आप वॉश कर लें किसी भी अच्छे से शैम्पू से। अलीज़ा सो गई थी, ये है रिजल्ट्स। बाल बहुत
नर्म हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं और जो उनका फ्रीजी पना जो था वो ख़त्म हो गया है। मैंने कंडीशनर अप्लाई नहीं किया है, अगर मैं कंडीशनर अप्लाई करती तो और बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता। कैसी लगी आप लोगों को वीडियो? उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मस्ट है और इससे मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के एक लाइक से एक सब्सक्राइब से। और बस वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।